पंच तत्व में विलीन हुए अरुण बाली। एक्टर को बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार के वक्त फूट फूट कर रोती दिखी बेटियां। हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के जाने माने एक्टर अरुण बाली के अंतिम संस्कार के वक्त बेहद गमगीन नजारा दिखा। उनकी बेटियां पिता के लिए रोती नजर आईं। सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका से आई दोनों बेटियों का था। वो दोनों पिता के जीते जी उनसे मिल ही नहीं पाई। पिता के निधन का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सीनियर एक्टर अरुण बाली का अंतिम संस्कार मुंबई के जोगेश्वरी विखरोली लिंक रोड स्थित प्रताप नगर शमशान भूमि में किया गया। उनके अंतिम संस्कार की सभी रस्में बेटे अंकुश ने पूरी की। अरुण बाली की दो बेटियां अमेरिका में रहती हैं और शनिवार सुबह जब वो मुंबई पहुंच गईं, तब एक्टर के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुईं। बेटियों की वजह से ही उनका अंतिम संस्कार एक दिन रोका गया। अरुण बाली अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अरुण बाली का एक बेटा अंकुश बाली है, वहीं उनकी तीन बेटियां इतिश्री, प्रगति और स्तुति हैं। अंतिम यात्रा के वक्त उनके तीनों दामाद हिमांशु, सुधीर, तरुण ने भी उनकी अर्थी को कंधा दिया। वहीं बहू दीप्ति परिवार को संभालने में जुटी रही। अरुण बाली का अंतिम सफर जब उनके निवास से निकला तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। उनकी शव यात्रा के आगे बेटा अंकुश अग्नि लेकर चल रहा था। वहीं करीबी रिश्तेदार, दोस्त और कई सेलेब्स भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गजेंद्र चौहान, पंकज धीर, रजा मुराद और वीरेंद्र सक्सेना समेत कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अरुण बाली माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से पीड़ित थे। इसी साल जनवरी में वो इस बीमारी की चपेट में आए थे। इस बीमारी के इलाज के लिए उन्हें कई बार मुंबई के हीरा नंदानी अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा, लेकिन इलाज का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें नर्व्स और मसल्स के बीच बैरियर हो जाता है। इससे उन्हें बोलने में परेशानी होती थी। इस बीमारी की वजह से हर दो तीन दिन में उनके स्वभाव में बदलाव दिखता था। उनके बेटे को उनकी देखभाल करने वालों ने बताया कि निधन से पहले वो शौचालय गए थे। वापस आने के बाद उन्होंने कहा वो बैठना चाहते हैं और फिर थोड़ी देर में सो गए। उसके बाद उठे ही नहीं। 7 अक्टूबर की सुबह करीब 4:30 बजे अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अरुण बाली का जन्म लाहौर में 23 दिसंबर 1942 को हुआ था। वो एक पंजाबी मुहियाल ब्राह्मण परिवार से थे। अरुण जब 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। अरुण बाली के 5 भाई और 1 बहन थी। बंटवारे के दौरान उनका परिवार लाहौर से भारत आ गया था। परिवार चलाने के लिए अरुण बाली ने काफी मेहनत की। एक वक्त ऐसा भी था जब वो बिस्किट बेचा करते थे। उस वक्त वो पंजाब से लेकर राजस्थान जैसे शहरों में जा जाकर ये काम किया करते थे। अरुण बाली के भाई थिएटर में काम किया करते थे और एक बार उन्हें जब भाई के साथ नाटक में काम करने का मौका मिला तो फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। 48 साल की उम्र में उन्होंने सीरियल दूसरा केवल में काम करना शुरू किया। फिर बॉलीवुड फिल्म सौगंध में भी नजर आए। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में अहम रोल किए और 40 से ज्यादा टीवी शोज में दिखे। अपने आखिरी दिनों में भी अरुण ने एक्टिंग नहीं छोड़ी। वो बीमारी में भी एक्टिंग करते रहे और ये एक संयोग ही है कि जिस दिन अरुण बाली की आखिरी फिल्म गुड बाय रिलीज हुई उसी दिन उन्होंने दुनिया को भी गुड बाय कह दिया।